फ्रेंड्स, साथ में मैं हूँ आपका स्मॉल टाउन बॉय। हाँ सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑफ रोडिंग कम्प्लीट करके यहाँ तक हम लोग आ चुका है। तो हम लोगों के साथ एक छोटा वाला भाई है, 12th क्लास पढ़ता है, उसको भी थोड़ा कैंपिंग में इंटरेस्ट है। उसका नाम आकाश है, वो भी हमारे साथ में कैंपिंग पे आ रहा है। वो सामने चल, उसको जाने दिया हमें। मैंने थोड़ा सा सोचा कि गाड़ी यहाँ से शॉपिंग पॉइंट है ये गाड़ी का, और भी जा सकता है, बालू में लेके जा सकते हैं। बट गाड़ी का कंडीशन थोड़ा सा, गाड़ी का हेल्थ थोड़ा बोला जाएगा तो हेल्थ खराब है, तो इसीलिए गाड़ी को यहीं तक छोड़ जाते हैं। साथ में है आकाश भाई हमारा साथ, वो बहुत आगे चल रहा है। मैं हम दिखाएंगे बाबा आगे जाके आपको हमारा साथ। हम लोग का प्लान एक्चुअली ये था कि हम लोग का प्लान एक्चुअली वन डे नाइट कैंपिंग है। अभी हम लोग रात को स्टे करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, एक बोतल पानी है और फिशिंग लाइन्स है, और कुछ नहीं है हमारे पास। हम लोग फिशिंग करके ही खाएंगे, और पानी बस है हमारे साथ बस, और कुछ भी नहीं है। और कल सुबह निकलेंगे, और हमारे पास कैंपिंग टेंट है कछुआ की 2% का, तो यही हमारा सहारा देगी, क्योंकि हमें अंडमान में कभी भी मौसम बदल सकते हैं। अभी पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट है, कचाल भी एक, तो विदाउट टेंट बारिश में भींग के ठंड हो जाएगी, तो हम लोग का जान भी जा सकती है। और सुनिए मैं बताता हूँ, अभी का टाइम कुछ लगभग ठीक नहीं है, घर से भी बहुत मना कर रहे थे। एक्चुअली दिवाली का टाइम है ना, तो दिवाली का टाइम है ना, भूत प्रेत यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और सुनामी में ना ये सब जगह में लोग रहते थे, सुनामी में डेथ हो गया यहाँ पे, इसलिए बहुत मना करते हैं यहाँ जाने के लिए। मम्मी पापा ने बहुत मना किया, बट पार्थिव की जिद के साथ हम घर से भाग निकले वो भाई के साथ। बस हम लोग ऑफ रोडिंग, एक घंटा का सफ़र था ऑफ रोडिंग का लगभग, हाँ एक घंटा बस, और वहाँ पे जगह पर डेस्टिनेशन तक रीच होने के लिए बस एक दो या एक घंटा लग जाएगी। यह सुंदर सा व्यू है, एक्चुअली जो दूर में हाईलैंड दिखता है उसको बोलते हैं थारासा, उसके पास में चावरा है। हमारा घर एग्जैक्टली बोला जाएगा तो इसको बहुत पीछे है। अब जब हम आए थे तो उसका एक्चुअली व्यू बहुत अच्छा था, तो सनसेट का, तो ये बार भी देखते हैं कुछ दिखा सकेगा तो आपको दिखा देते हैं। बस इस जगह पे किसी को टेंट को कैरी करते हुए किसी को मिसिंग करने का फील्स मेरे को आ रहा है, फीलिंग आ रहा है। कोई नहीं, फीलिंग्स तो आता जाता रहेगा, क्या करें, सभी को फीलिंग्स आते हैं। फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए भाई के साथ फिलहाल टेंट कैंपिंग कर लेते। मैंने मेंशन करना भूल गया, अभी टाइम एग्जैक्टली 3:26 हो रहा है। बस बने रहिए, बाल का भी थोड़ा दजिया ना सोता है, क्या नूडल्स बन गए, कोई नहीं। सो एक्चुअली हम लोग को एक दूर में एक नारियल पेड़ दिख रहा है ना, वो नारियल पेड़ पार करके कुछ एक बस लगभग एक आधा एक घंटा चलना पड़ेगा। बस वो नारियल पेड़ तक पहुंचना है, वहाँ से कुछ बाइट थोड़ा सा फिशिंग करना है, बाइट कलेक्ट करके फिर चलना है, बस एक घंटा बस। बस फ्रेंड्स सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा टेंट का एलिमेंट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अभी इसके लिए रुकेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट है, तो चलते बस। साइड पे गो,
जाएगा जाएगा। हाँ चलता है। चलो उसको बाद अंदर करेगा, मुझे मच्छर भी सेवन होगा। चलो आगे तुम जहाँ रखे हैं वही उधर ही चलो। इधर ही तगड़ा गर्मी है। मच्छर हम लोग काट काट के फर्स्ट कैच। एक
फ्री हम लोग दो फिश कैच करके मुश्किल से दो फिश हमको हाथ लगी है। तो दो फिश कैच करके टेंट की ओर लौट रहे हैं हम लोग। इस टेंट बस दो मिनट के रास्ता पे हम लोग रखे हैं। हमारा हागी भी बुझी है सब। मैरिनेट करके रखे हैं हम लोग। वो कढ़ाई बहुत छोटा है तो इसीलिए हम लोग तीन तीन करके जितना उतर चाहिए उतना उतना करके फ्राई कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत हो गया है, काफ़ी अच्छे ही फ्राई हुआ है। बस और थोड़ा सा फ्राई बाकी है मैरिनेट करके रखा वाला। छोटा सा टिफ़िन है ना तो इसीलिए मैरिनेट करने का प्रॉब्लम है। आप लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा खाने का कभी मौका। यमी एंड डिलीशियस फिश अपना हाथ से जिंदा जिंदा पकड़ के खुद काट के बैठ के खा रहे हैं हम लोग कैंपिंग पे। आपको भी दिल करता होगा, आप भी जुड़ सकते हैं हमारा आसपास में कहीं रहेंगे तो हमें कमेंट कर लीजिए, हम मैं भी आपको लेके जाऊंगा। हाँ लड़का हो तो लड़की को ही लेके जाऊँगा। ये रहा मैं छोटा सा टेंट। इस समय कढ़ाई में तेल सूख गया है, काफ़ी कमती तेल हम लोग लेके आए हैं। बस हो जाएगा शायद, बस कुछ ही पीसेस बचा है। बहुत हम लोग भी बहुत टायर्ड हो गए, बहुत ऑफ रोडिंग करके एक घंटा फिर दो घंटा चल के फिर यहाँ में क्लीन करके फिर टेंट लगा के फिर फिशिंग करके उसको क्लीन करके कुकिंग करना हम बात नहीं है। तो अभी हम लोगों को नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अभी जाके थोड़ी देरी में सो जाते हैं खा के। ऊपर से दिमाग खराब, एक सर्दी, दोनों को सर्दी पकड़ा है। चलिए फ्रेंड्स हम बाद में दिखाते हैं, बन तब तक वीडियो तब तक फिश बन चुका होगा तब देख लेंगे। काट दिया, पानी में रखी कटो, अंदर रखी किस तरह।